प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने गांधी जी की प्रतिमा को स्नान करवाया, माल्यार्पण किया, पूजा अर्चना की और निवाई के अंदर सुखबीर सिंह जोनापुरिया निकल गए गांधी संकल्प यात्रा पर। निवाई क्षेत्र के गांवों में गांधी दर्शन पर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने जनता के साथ संवाद स्थापित किया। गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली में सांसद ने पहुंचकर गांधी जी के जीवन पर बात की, लोगों से उनके हाल जाने, सरकारी योजनाओं पर मिल रहे लाभ पर उन्होंने बात की और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास कैसे हो इस पर चर्चा की। इस गांव से उस गांव गांधी संकल्प यात्रा पर टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया कुछ अलग अंदाज में, अपने चीज परिचित अंदाज में लोगों से संवाद स्थापित करते आए, तो पर्यावरण का संदेश देना भी सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया नहीं भूले। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जनता के दिलों में किस तरह जगह बनाते हैं, इसके नज़ारे आज एक बार फिर से देखने को मिले। सीधा जनता से संवाद, आम आदमी तक पहुंच, यही है टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की पहचान। पार्टी के लोग हंसते थे कि यार एक बार बताओ, कोई और काम नहीं मिला, सिर्फ गटर बना के देश को स्वच्छ करोगे। आज खुद देख के देखो, आज इस 5 साल के अंदर में गटर का मामला बढ़ गया और स्वच्छ भारत की शुरुआत होगी। साथियों, पर्यावरण चेंज हो गया, कितनी बारिश हो रही है, ये पर्यावरण का मामला है। अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल आप टीवी में देखते होंगे, उन्होंने कहा आपकी बार डेंगू मुक्त सरकार होगी, डेंगू दिल्ली में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत की शुरुआत है, अनेकों चीजें हमें मिली है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज देश के प्रधानमंत्री कहा है, लटने लगा पूछे मत ना, पसीने बहरा दबा दबा, और क्या कह रहा है, जाओ 150 किलोमीटर चलो। क्या बोला प्रधानमंत्री, 150 किलोमीटर चलो, उससे पहले आमन जाना, और उस 150 किलोमीटर में दबा दब गली गली घूमना, ठीक है ना मामला। ये ऊपर का मामला है, तो मोदी ने कहा है, 2 अक्टूबर आज महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है, और उस जन्म जयंती के ऊपर मोदी जी का नारा फिर दिया है कि आज किसी से मुक्त कर रहे हैं देश को, प्लास्टिक से, ताकि कहीं भी पन्नी का काम नहीं हो। गाय 70-70 किलो मर जाती है, अंदर पन्नी निकलती है। आज देश के प्रधानमंत्री ने फिर नारा दिया कि पॉलिथीन मुक्त इस देश को करेंगे। उसी के तहत में आप सबके बीच में मैं आप सबको जगाना आया हूँ और सबसे निवेदन करना आया हूँ कि माननीय मोदी जी का संदेश है, जैसे स्वच्छ भारत की शुरुआत की थी, ऐसे ही आज पॉलिथीन मुक्त इस देश को करना चाहते हैं। हम सब इस बात का संकल्प लें कि आज के बाद जहां भी कहीं होगा पॉलिथीन का मामला खत्म करेंगे, और ये संभव है क्योंकि टोंक का गवाह है इस बात के लिए। आप सब जो टोंक में रैलिंग गए थे हाथ खड़े करना, जब प्रधानमंत्री जी आए थे, देखो आप लोग गए थे ना, और क्या हुआ था जब टीवी पे आता ना कि मोदी है तो
कहां से चला? टोंक से। तो आप ये मान के चलो टोंक की। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।